लॉकडाउन के दौरान लगातार दिल्ली सहित अन्य राज्य से मरीजों के एम्बुलेंस के जरिए गोरखपुर लाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए शहर के हर चेक पोस्ट पर एक एक डॉक्टर की तैनाती कर दी है। अब बाहर से आने वाली हर गाड़ी या एम्बुलेंस में बैठे लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी, उसके बाद ही शहर में प्रवेश दिया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि रेलवे और एयरफोर्स अस्पताल में अब जो भी बाहर के मरीज आएंगे उनकी सूची मांगी गई है, जिससे उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित जानकारियों का पोस्टर लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों के मोबाइल में अनिवार्य रूप से ऐप का डाउनलोड करने को कहा गया है। मरीजों को भी इसके लिए प्रेरित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, जो चेक पोस्ट दूसरे ज़िलों को कनेक्ट कर रही हैं या ख़ास करके सहजनवा में जो लखनऊ से लोग आ रहे हैं, बस्ती से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, ऐसी संभावना है और एक ऐसी घटना भी हुई है कि एम्बुलेंसेस के सहारे लोग बैठ के बाहर से आ रहे हैं और उसमें ऐसी जगहों से भी आ रहे हैं जहाँ हॉट स्पॉट हैं, जहाँ पर रेड जोन डिक्लेयर्ड है और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर्स भी लगा दिया, पैरामेडिक्स की भी लगा दिया है कि अगर कोई एम्बुलेंस से भी आ रहा है तो पहले हमारा डॉक्टर चेक कर ले कि एम्बुलेंस में जो व्यक्ति बीमार है वो रियली बीमार है कि नहीं है और कहाँ से आ रहा है, उसके पर्चे देख ले, उसकी बीमारी क्या है, इस तरह की एक छानबीन हो जाए कि अगर वो कोविड सस्पेक्ट है तो हम उसको सीधे के सीधे अस्पताल ले जाएं और लोगों को क्वारंटाइन कर दें, कोई घर ना जाने पाए जिससे कि बीमारी आगे ना बढ़े। एक मंशा तो ये है। दूसरी मंशा ये है कि अगर कोई दूसरे उससे आ रहा है और वो खाली नौकरी करने आ रहा है या दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले खाली नौकरी करने जा रहा है और उन दोनों ज़िलों में से कोई ज़िला हॉटस्पॉट है, कोई ज़िला रेड जोन में है, तो ऐसे हम लोगों को परमिट नहीं कर रहे हैं। तो उनको हतोत्साहित करना है कि आपकी जहाँ नौकरी है आप वहाँ रह के काम करें, या आप जिस ज़िले में लॉकडाउन में फंस गए हैं वहाँ उसी विभाग के मुखिया से मिलके आप वहाँ काम करके अपनी अटेंडेंस भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी सैलरी निकल जाएगी। इन दो पर्पजों से ये किया गया है और पुलिस भी हमारे साथ उस बूथ पर रहती है। ऐसा हम लोगों ने कैंपियरगंज रोड पर किया है और बांस इसमें सहजनवा पे किया है। जो आज़मगढ़ की तरफ से आता है उनकी चेकिंग हम यहीं नौसड़ पर कर लेते हैं, कुशीनगर रोड पे और महाराजगंज इसमें देवरिया और कुशीनगर रोड पर भी ये बैरिकेटिंग की गई है और वहाँ पे इस तरह की जांच हो रही है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि आरोग्य स्वास्थ्य ऐप डाउनलोड कर लें। 6,605 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, आशाएं हैं, हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के पैरामेडिक्स हैं, लेकिन अभी भी हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा ऐप है और इसको सभी लोग अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर लें। हमारे यहाँ जो मरीज़ भर्ती होते हैं उन्हें भी हम लोग बताते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटी में जो लोग होते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए कह दिया गया है और वो कर भी रहे हैं।